अगर मैं बात करूं अपने विभाग के विभागीय पुस्तकालय के बारे में, तो हमारे पास पर्याप्त पुस्तकें हैं नहीं, हमें एक या दो ही पुस्तकें मिल पाती हैं। इस बारे में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पुस्तक मिली है उसमें शीत युद्ध अपने चरम पर है, सोवियत संघ का अभी विघटन हुआ नहीं है और बर्लिन की दीवार गिरना अभी बाकी है। मैं पिछले 3-4 साल इसी स्थिति में पढ़ते हुए आया हूँ। हम आंदोलन में बैठे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि आज के इस प्रतियोगी समाज में मेरा आने वाला समय और आने वाली पीढ़ी का समय ऐसे ही बर्बाद हो। बीएससी की छात्रा हूँ। LSMPG कॉलेज पिथौरागढ़ का एकमात्र कॉलेज है जिसमें लगभग 7,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। अगर हम बात करें शिक्षा की, तो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉलेज होने के बावजूद यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। 40 से अधिक पद जो शिक्षकों के हैं वो खाली हैं, जिसकी वजह से ना तो प्रॉपर क्लासेस लग पाती हैं और ना ही कोर्स कंप्लीट हो पाता है। कई कई विभाग तो ऐसे हैं जिसमें एक या दो टीचर पूरे डिपार्टमेंट को संभाले हुए हैं। पुस्तकालय की हालत भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ पे 3 साल हो गए हैं सेमेस्टर सिस्टम को लगे हुए, लेकिन अभी तक का सेमेस्टर सिस्टम की बुक्स नहीं आई हैं। 90s की बुक्स बच्चे पढ़े हैं जिसमें भी आधा सिलेबस होता ही नहीं है, वो भी फटे पुराने हाल में होती है। महाविद्यालय में पिछले 20 दिनों से शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर, पुस्तकालय हेतु प्रॉपर फंडिंग की मांग को लेकर, सब रजिस्ट्रार और PhD स्कॉलर्स के लिए स्कॉलरशिप की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। केवल धरना प्रदर्शन ही नहीं, अपना विरोध जताने के लिए छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक मौन मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने मुंह में काली पट्टी बांधी थी, जिसमें उनके शब्द नहीं उनके पोस्टर्स अपनी मांग रख रहे थे। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा एक असंवेदनशील पत्र आता है जिसमें लिखा जाता है कि महाविद्यालय के लिए धरना प्रदर्शन उचित नहीं है। महाविद्यालय के लिए जो छात्र छात्राओं की मांगे हैं, शिक्षक, पुस्तक, सब रजिस्ट्रार और PhD स्कॉलरशिप, इनके लिए धरना प्रदर्शन महाविद्यालय के लिए उचित नहीं है। हमारा सवाल है कि अगर ये मांगे महाविद्यालय के लिए उचित नहीं है तो महाविद्यालय के लिए उचित क्या है? क्या क्या हमें अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं? क्या अच्छी शिक्षा अगर हमें नहीं मिल रही तो क्या उसके लिए लड़ने का हमें अधिकार नहीं? इन्हीं मांगों को लेकर छात्र छात्राओं में रोष आया, उन्हें अपना रोष प्रकट किया। ये जिला प्रशासन द्वारा उस पत्र को जलाकर उन्होंने अपना रोष प्रकट किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल हमारे महिला अभिभावकों द्वारा रामलीला मैदान से लेकर कलेक्ट्रेट तक एक रैली निकाली गई, जिसमें उन्होंने इन्हीं मांग हमारी मांगों को संबोधित किया। उन्होंने हमें समर्थन दिया और ये दर्शाया कि आने वाले समय में अगर हमारी इन मांगों की अनदेखी चलती है, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा हो, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हो, डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा हो, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मुद्दे में साथ होंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।